हफ्ते को मुनाकिद होने वाली हनुमान शोभा यात्रा जुलूस के पेश नजर सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने सीनियर अफसरान के साथ 12 किलोमीटर पूरे रास्ते का मायना किया। मरकजी जुलूस दौलीगुड़ा राम मंदिर से शुरू होकर ताड़बन सिकंदराबाद पर अख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में हजारों अकीदतमंदों और बहुत से मोटरसाइकिलों की शिरकत मुतवक्को है। मरकजी जुलूस की किसी नई ट्रिब्यूटरी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। रास्ते में इंतजाम, बैरिकेडिंग, लटकती तारें, सड़कों की मरम्मत वगैरह सब कुछ ये काम किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जुलूस के मरकजी रास्तों और बाइलेंस पर इंसदाद तखरीबकारी की चेकिंग करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रैली पुरमन तरीके से मुकम्मल की जाए। कल शहर में ट्रैफिक की पाबंदियाँ होंगी क्योंकि ये काम वर्किंग डे है। तकरीबन 8,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे और उनमें से चंद को ऊंची इमारतों और छतों पर भी तैनात किया जाएगा। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि निगरानी रखी जा सके। इस इंस्पेक्शन के दौरान एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डीएस चौहान, ज्वाइंट कमिश्नर्स एवी रंगनाथ, पी विश्व प्रसाद, एम रमेश, गुज्जाराव भोपाल, डीसीपी ट्रैफिक एन प्रकाश रेड्डी और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे।